नमस्कार, आप देख रहे हैं द फोर्थ स्टेट न्यूज नेटवर्क। जिस प्रकार से कल ऑर्डर निकाला गया, देर रात, कल रात को एक ऑर्डर निकलता है 8 बजे के करीब, जिसमें कहा जाता है कि नॉन एसेंशियल मूवमेंट्स एवरी फ्राइडे 2 बजे से बंद रहेंगी और मंडे सुबह 6 बजे तक ये बंद रहेंगी। जिसके बाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने इंटरवीन किया है आज, और उस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने जितनी भी नॉन ये चीज़ कही है कि जितनी भी नॉन एसेंशियल शॉप्स हैं या फिर एसेंशियल शॉप्स जो भी हैं, नॉन एसेंशियल प्लस एसेंशियल दोनों शॉप्स रात 9 बजे तक ओपन रहेंगी। और इस चीज़ की परमिशन डीसी जम्मू से भी ले ली गई, और डीसी जम्मू ने भी कहा कि रात को 9 बजे तक आज के दिन दुकानें खुल सकती हैं। अब सबसे बड़ी बात है, लोगों के मन में कन्फ्यूजन है, बहुत ज़्यादा परेशानी भी है कि क्या ट्रांसपोर्ट सड़कों पर चलेगा, क्या ट्रांसपोर्ट दौड़ेगा। क्योंकि ट्रांसपोर्ट की बात करें, ट्रांसपोर्ट एक ऐसी चीज़ है जिसकी ज़रूरत कोई भी हो, चाहे एसेंशियल सर्विसेज वाले हों चाहे नॉन एसेंशियल सर्विसेज वाले हों, उनको ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि हर किसी के पास अपनी गाड़ी, हर किसी के पास अपना टू व्हीलर नहीं होता, ऐसे में ले देकर उन लोगों को ट्रांसपोर्ट जो है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है, उस पर आश्रित रहना पड़ता है जम्मू के लोगों को, और हर जगह पर ये देखने को मिलता है। ऐसे में कन्फ्यूजन ये है कि क्या जम्मू कश्मीर में ट्रांसपोर्ट चलेगा। उस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त विजय सिंह चिप जी मौजूद हैं, जो कि प्रेसिडेंट है ऑल जॉइंट के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के। सर, स्वागत आपका द फोर्थ स्टेट में। धन्यवाद जी। सर, सबसे पहले तो जानना चाहूँगा, कन्फ्यूजन की स्थिति है कि क्या जम्मू कश्मीर में ट्रांसपोर्ट चलेगा, क्योंकि जिस प्रकार से ऑर्डर आया कि रात 9 बजे के बाद नॉन एसेंशियल मूवमेंट बंद हो जाएगी 2 बजे के बाद, तो क्या ट्रांसपोर्ट आज पूरे दिन में चलेगा? देखिए, पहले तो मैं धन्यवाद करता हूँ मीडिया का। आपने देखा पिछली बार भी, जब आज तो ये तीसरी लहर आई है, तो जब पहले भी 2 बार हमारे साथ इसी तरह का मजाक किया सरकार द्वारा, पहले तो जब भी सरकार कोई गाइडलाइन निकालती है तो सरकार को चाहिए ट्रांसपोर्टरों को बीच में बिठा के। अब देखिए, आज 2 बजे से जो कल रात का एक ऑर्डर निकला हुआ है, आप मुझे बताइए, गाड़ी जब हमारी दूर दूर पहाड़ों पे होती है तो वो टाइम देख के चलेगी वहां से? अगर वो चलेगी सवेरे वहां से तो शाम को यहां पहुंचेगी, वो बीच में खड़ी करेगी? तो आप इन्होंने अभी तो हमें बाहर रखा हुआ है इस चीज से, लेकिन मुझे लगता है सरकार का इशारा है कि ट्रांसपोर्ट को, क्योंकि हमारे साथ ये मजाक ही करते हैं हर टाइम। आप मुझे बताइए, आज 2 बजे गाड़ी बंद होगी तो मंडे को जाके चलेगी? ये जो हमारे वर्कर्स हैं, इसमें ड्राइवर है, इसमें कंडक्टर है, और क्या ये 3 दिन इसकी फैमिली कहाँ से खाना खाएगी? 2 साल हम इस कोरोना महामारी में पिस रहे हैं इस बीमारी की खातर। गाड़ियां हमारी जो है, बैंक हमारे, आपने देखा हमें कहीं माफीनामा नहीं मिला है, इंस्टॉलमेंट हमारी जो है वो चल रही है, लोन हमने प्राइवेट फाइनेंस लिया हुआ है, बैंक लिए हुए हैं। तो 3 दिन जब गाड़ी खड़ी रहेगी तो हमारा जो सिस्टम है वो कैसे चलेगा? बोझ हम पे 2 साल से बढ़ता जा रहा है, उसमें चाहे टैक्स थे, हमने बार बार सरकार से मांग की है कम से कम जितनी देर ये कोरोना रहा है, कम से कम उस दौरान के जो हमारे टैक्स थे उसमें हमारी बैंक जो लोन थे कम से कम वो तो माफ करती सरकार। आज हम पे बिपता जो आन पड़ी है, क्योंकि बर्बादी की तरफ हमारा ट्रांसपोर्टर आज जा रहा है। इतने बड़ी इंडस्ट्री है हमारी, 75,000 कमर्शियल व्हीकल है J&K में और पूरा जम्मू और कश्मीर में। मुझे बताइए, इनकी तरफ सरकार का फर्ज नहीं बनता था कि इनके जो खड़ी गाड़ियों के टैक्स है, अगर गाड़ियां चली ही नहीं तो कम से कम हमें ये रिलीफ देते सरकार। मैं आपके माध्यम से, हमने कई बार, मैंने आपके चैनल द्वारा भी सरकार से हमने मांग रखी है कि कम से कम अगर इस इतनी बड़ी इंडस्ट्री को बचाना है, क्योंकि क्या हम देश की सेवा नहीं कर रहे? हम लोगों को एक से दूसरी मंजिल तक लेके नहीं जाते? और हमारी स्टेट में हमारी ट्रांसपोर्ट जो है, आपने देखा होगा कभी भी कभी कोई शिकायत नहीं है, चाहे वो उसमें लेडीज, बच्चियां, माताएं, बहनें बैठती हैं, लेकिन हमारी तरफ सरकार ने अभी तक भी ध्यान नहीं दिया है। जी, तो क्या फाइनली हमने आपसे पूछना होगा, क्या चलेंगी आज गाड़ियां रात को 9 बजे तक? देखिए, गाड़ियां तो चलेंगी, क्योंकि आपने देखा ये
हर स्टैंड पे गाड़ियां हमारे इतनी तादाद में, अगर ये लोग दूर दूर से आए हैं तो ये यहाँ 3 दिन तो बस स्टैंड में रहेंगे नहीं, जाके तो घर में ही रहेंगे ये। तो 3 दिन हमारे लिए जैसा सरकार का इशारा है, क्योंकि जैसा हमें लग रहा है कि 3 दिन आप देखिए, 3 दिन गाड़ी चला के बंद रख के 4 दिन चला के तो हमारा कुछ बनेगा नहीं। बीमारी की बीमारी के जब से ये चल रही है, लोग भी घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। तो हमारे लिए पिछले शनिवार को जब इन्होंने ये ऑर्डर निकाला तो हमने गाड़ियां चलाई, लेकिन सवारी नहीं थी, तो ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगी। और सरकार ये भी नहीं चाहती कि कोई ऑर्डर करे कि लॉकडाउन लग जाए। सरकार को पता है इसी तरह के जो खेल जो खेल रहे हैं ये खुद ही बंद हो जाएंगे। तो हमारे लिए इस टाइम इतना बोझ बन चुका है, हमारे जो टैक्स हैं, दो बार हमने गाड़ियां, जैसा मैंने पहले भी चैनलों में कहा है कि जब 2020 में हमारी ये पहला लॉकडाउन हुआ, तो बीच में जब ये दोबारा खुला तो हमारे वो डॉक्यूमेंट्स जो थे वो ड्यू हो चुके थे, तब भी भरवाए हमने। एक गाड़ी का तकरीबन बड़ी बस का 1.5 लाख रुपया लग के गाड़ी रोड पे आती है। आज फिर वही हालात हमारे लिए, लेकिन उसके बदले में रिलीफ कहीं भी नहीं हमें मिली। तो मैं मांग करूंगा सरकार से, हमारे जो माननीय गवर्नर हैं मनोज सिन्हा जी, कि बार बार हमारे कहने पर भी आज तक जो हमें जो हमारे जो पैकेज दे, उसमें ड्राइवर कंडक्टर की फैमिली, आप देखिए हजारों की तादाद में लोग इसमें सफर कर रहे हैं। तो हमारी मांग थी सरकार से कि हमें कम से कम कोई पैकेज ऐसा लाए। एक सवाल और आपसे रहेगा, जिस प्रकार से आपने कहा कि गाड़ियां चलेंगी और जब सवारी आएगी नहीं तो ऑटोमेटिकली गाड़ी खुद बंद हो जाएगी, खुद रुक जाएगी, आपको किसी ने क्या इस चीज को लेकर कोई ऑर्डर दिया कि आप रात को 9 बजे तक गाड़ियां ओपन रख सकते हैं, या फिर कोई ऐसा है ही नहीं आपका इस ऑर्डर में से कोई लेना देना नहीं है सर? आप देखिए, आपने जो ऑर्डर पड़ा हुआ उसमें ट्रांसपोर्ट इन्होंने बाहर रखी हुई है बंद के लिए, लेकिन जैसा मैंने कहा कि हमें एक ऐसा हमारा दायरा बना दिया गया है ट्रांसपोर्ट, इनसे खाली टैक्स लो और जेब भरो, क्योंकि जैसा मैंने बताया 75,000 कमर्शियल व्हीकल्स और एक गाड़ी साल का अगर 1 लाख रुपया टैक्स लेके चलो तो मुझे लगता है आप कितने करोड़ों रुपया बनता है जो सरकार को हमारा टैक्स जाता है। तो आपने बाहर की कंट्रियों में देखा होगा टैक्स पे लोगों को सरकार उनकी मदद करती है, लेकिन यहाँ हमसे टैक्स जो है टैक्स पे टैक्स वसूले जा रहे हैं। कोरोना के दौरान भी हम पे डबल टैक्स हुए, तो हमारे लिए जब आप देखिए महंगाई, डीजल इतना महंगा है कहाँ चलेगी अगर सवारी ही नहीं। कल आप चेक कर लीजिए, कल शनिवार है, वीकेंड लॉकडाउन का कल भी है, आज 2 बजे आप भी देखिए बाहर जाके, अभी देखिए आप, सवारी नहीं है, गाड़ी खाली है, दौड़ रही है, तो कहाँ चलेगी? तेल इतना महंगा है, ड्राइवर और कंडक्टर की पे मालिक कहाँ से देगा? बहुत मुश्किल है हमारे लिए जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। ये थे मेरे साथ विजय सिंह चिप जी, जो कि ऑल जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं, और इन्होंने एक चीज साफ कर दी है कि ट्रांसपोर्ट जो है, जिस प्रकार से हम जानते हैं कि डीसी जम्मू ने भी पिछले हफ्ते ट्वीट करके जानकारी दी थी कि ट्रांसपोर्ट को इस दायरे से बाहर रखा गया है और ट्रांसपोर्ट पर ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ट्रांसपोर्ट चलता रहेगा, लेकिन जो नॉन एसेंशियल मूवमेंट है उसे रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा। ऐसे में विजय सिंह चिप जी ने भी आज क्लियर कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है कि 2 बजे गाड़ियां बंद होने वाली हैं, गाड़ियां रात तक चलती रहेंगी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। और ये चीज आप ध्यान में रखें कि जिस प्रकार से ऑर्डर निकला है कि नॉन एसेंशियल मूवमेंट जो है उसको रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा, यानी कि अगर कोई शख्स बीमार है तो वो उसको हो सकता है उसके पास गाड़ी ना हो, ऐसे में उसको कहीं ना कहीं रुख जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का करना पड़ सकता है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू ने भी पिछले हफ्ते ट्वीट किया था और आज विजय सिंह चिप जी ने भी क्लियर कर दिया कि ट्रांसपोर्ट जो है वो चलता रहेगा। हालांकि जब सवारी नहीं होगी तो फिर गाड़ियां कहां से चलेंगी, वो तो सही बात है। फिलहाल के लिए आप देखते रहे फोर्थ स्टेट न्यूज नेटवर्क, मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।